नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में और मैं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा लेके आया हूँ एरीज राशि 2018 मई का महीना क्या लेके आया है खास आपके लिए, इसके बारे में चर्चा करूँगा। और इसके साथ साथ एक अच्छी बात आपको खुशखबरी देना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन इन करना होगा मुझे मेरे फेसबुक लाइव पर, जिसमें मैं हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 आप लोगों के सामने रूबरू होता हूं। उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी एक सवाल, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार रहूंगा और आपका जवाब दिया जाएगा। और निश्चित तौर पे आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, जहां आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि इसको अधिक से अधिक आप लाइक करें इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और अब मैं बात करूंगा एरी राशि मंथ ऑफ मई 2018। तो शुरुआत में हम देखते हैं के सूर्य उच्च के हैं और वहीं मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए, और मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल आ रहे हैं आपके कर्म स्थान में, शनि का साथ छोड़ेंगे, रेट्रोग्रेड शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, आपके कर्मेश हैं, आपके लाभेश हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हैं किस तरह से आपको प्रभावित कर रही हैं और करेंगी, तो मैं मई महीने की बात करूं, जब मई महीना शुरू होगा, मंथ ऑफ मई शुरू होगा, तो उस समय की स्थितियां, उसमें मंगल भाग्य स्थान में ही होगा, सूर्य लग्न में होगा, चंद्र बृहस्पति में बिल्कुल सामने सूर्य के बैठे होंगे, और वहीं राहु जो है आपके फोर्थ हाउस में, तो केतु आपके टेंथ हाउस में होंगे। इसका मतलब मंगल और केतु का एक योग टेंथ हाउस में बनने जा रहा है। शुक्र आपके वीनस जो है सेकंड हाउस में होंगे, वहीं बुध जो है नीच राशि से होके आपके ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए होंगे। तो ग्रहों की कुछ स्थितियां इस तरह से बनी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले सेहत के बारे में बात करूं, तो सेहत का, यानी कि जिनको रनी नोज है, जिनको गर्मी से होने वाले रोग जो हैं परेशान करते हैं, जिनको हार्ट ट्रबल है, जिनको स्किन रैशेस हो जाते हैं, कोई एलर्जी है, उनको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि शुरुआत में ही कुछ स्थितियां कमजोर हैं। भाई सेहत ही सबसे बड़ा धन होता है, धन लक्ष्मी ये कई तरह की होती है, संतान धन होता है, भाई बहन धन होता है, गऊ धन होता है, परिवार धन होता है, हर तरह का धन। तो सेहत धन जो है उसमें सबसे बड़ा होता है, अच्छी सेहत जिससे आप सब कुछ इंजॉय करते हैं। तो सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ईगो से बच के रहें। सूर्य आपको एनर्जी दे रहा है, पावरफुल बना रहा है, मंगल भी अब आगे चल के आप अपनी राशि को देखेगा तो आपके अंदर और एनर्जी बढ़ जाएगी, आप और आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन उसमें कहीं दूसरों को, जिनके साथ आपको चलना है, उनको पीछे ना छोड़ दें, उनको इग्नोर ना करें, इस बात का साथ में आपको ध्यान रखना होगा। बात करूं आपके एक्सटेंडेड फैमिली की सेकंड हाउस की, तो वीनस वहां पे बैठे हुए हैं, तो ये दिखा रहा है गेट टुगेदर, परिवार के संबंधों में कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, पारिवारिक लोगों के साथ मेल मिलाप की स्थितियां हैं, कई नए लोगों के साथ आपका संबंध स्थापित हो सकता है, किसी का आना, किसी के यहाँ आपका जाना बन सकता है, और इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है जिसका आप पूर्ण लाभ इस महीने में ले पाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा योग आप लोगों के लिए बना हुआ है। वहीं अगर भाई बहनों के संबंधों की बात करूं, तो निश्चित तौर पे थर्ड हाउस का कारक बुध नीच होकर ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, तो भाई बहन आप के साथ कहीं ना कहीं जेलस होंगे, या आपको आपके बारे में पीछे आपकी बुराई करने में पीछे नहीं हटेंगे और आपसे लाभ भी लेना चाहेंगे। कहने का मतलब है कि अपनी तरक्की को पाने के लिए आपको बुरा बनाने में वो कोई कोर कसर, जैसे कहते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आपको अब अपने बड़प्पन का ध्यान देना होगा, अपने बड़प्पन को दिखाना होगा, ऐसा ना हो कि सूर्य की इस तपिश में आप उलझ जाएं और एक झगड़े को जन्म दे दें। मुझे लगता है कि झगड़ों से आज तक कभी भी कुछ नहीं हुआ है, तलवार कभी भी किसी वर्ग और जाति को देख के नहीं, उसका काम होता है रक्त से नहाना, तो मुझे लगता है अपने ही रक्त से क्यों नहाना, बातों ही बातों में उलझ जाना, इससे आपको दूर रहना होगा। ये बात अलग है कि वो लोग तरक्की करेंगे, लेकिन आपकी तरक्की को भी कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें जिससे लाभ की स्थितियां होंगी। कुल मिला के मैं कहूंगा कि अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई दे, किसी बहन भाई की शादी के योग भी इस महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है। बात करूं सुख स्थान की, राहु आपके सुख स्थान में, यानी कि माता घर में बैठे हुए हैं, मात्र तब सुख, माँ की सेहत की चिंता रहेगी, माँ के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन ना जाने क्यों इस बार आप थोड़ी कंप्लेंट करेंगे, थोड़ा आर्गुमेंट आपका हो सकता है। मैं कहूंगा कि माँ माँ होती है, उसका आशीर्वाद लेते रहें, ज्यादा आर्गुमेंट करने से कुछ लाभ नहीं है, वो हमेशा ही आपको प्लस और ब्लेसिंग देती है, और ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए मॉर्निंग करने से कुछ लाभ नहीं, हम उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। मातृत्व सुख को पाने के लिए उस परमपिता परमेश्वर को भी इस माँ के पेट से जन्म लेना पड़ता है, तो आपके पास वो माँ है जिसके आगे भगवान भी नतमस्तक होते हैं, तो आप अपने मन के नीच विचारों को, राहु रूपी विचारों को आपको दूर करना जरूरी होगा, जिससे लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। पंचम भाव, यानी कि संतान,
संतान भाव का कारक सूर्य आपके लग्न में बैठा हुआ है। संतान उत्तम प्रकृति की, संतान कामयाब की ओर आगे बढ़ेगी, एजुकेशन में बहुत अच्छा करेगी, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ के इश्यूज कहीं ना कहीं बने रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए यह समय उत्तम है, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजशाही संतान एक अच्छे योग में पैदा संतान इस समय में गिनी जाएगी। अगर पैदाइश हो जाती है तो और भी अच्छी बात है। इस महीने में अगर संतान कंसीव कर ली जाती है इस महीने में, तब भी एक उत्तम योग में क्रिएट की गई, पैदा की गई, शुरुआत की गई संतान की एक अच्छा ही लाभ देगी। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों का साथ बनाए रखें, गुस्से से ज़्यादा प्यार से काम लेने की बात होगी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने मन में बहुत सारी चीज़ें दबा लेते हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। खुलकर उनके साथ बात करें तो बात बन जाएगी, एक अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। वहीं आपके सेवंथ हाउस की बात करूं, बहुत जरूरी है। चंद्र और बृहस्पति का योग सूर्य सामने से दिखाई दे रहे हैं उनको, तो ये क्या करेंगे, ये दिखा रहे हैं कि कटु वाणी यानी कि कड़वा बोलना, आप रूढ़ हो सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति, आपकी जुबान जो है वो काफ़ी सख्त हो सकती है। जुपिटर चाहे उसको बनाने की कोशिश करे, चालाकी करने की कोशिश करे कि चलो ये बचा रहे, लेकिन कौन सुनेगा उसकी। जहाँ तो द्वंद्व युद्ध हो रहा है बोलों के साथ, तो ये बोल जो है आपके बहुत संतुलित होने चाहिए। क्या कहना है, क्या कहते हैं ना, बोलने से पहले उसको तोड़ लो कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द और तीर से निकला हुआ कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। और ये बड़ी बड़ी बातें फिर आगे चल के हमेशा रिश्तों में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती हैं। तो उत्तम यही कि जो स्थितियाँ अच्छी हैं, वीनस जो इस करके कारक हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शादी का योग दिखा रहे हैं, शादी की को अटेंड करने की स्थिति दिखा रहे हैं, कुल मिला के एक अच्छी स्थिति। भाई फिर आपको क्या हो गया है, ये कहाँ से बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी बातें आप लोगों के बीच आ रही हैं, इनको निकाल दीजिए, इनसे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको लाभ हो सकता है, मैट्रिमोनियल साइट से आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। कुल मिला के ये एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, तो मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं, लेकिन उसमें प्रेम हो, प्यार हो, आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं, तभी रिश्तों की गर्माहट बनी रहती है। नहीं तो बहुत नाजुक होते हैं, एक धागे की तरह टूट जाएं तो फिर गांठ लग जाती है, और कई बार ये गांठ काम नहीं कर पाती है, और ये सदा सदा के लिए रिश्तों में मुश्किलें आ जाती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, एरी राशि वालों के इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा ध्यान देना होगा। वहीं बात करूँ आपके धन कहाँ से आएगा, जो चीज़ें हैं कैसे मिलेंगी, तो प्रॉपर्टी के माध्यम से भी धन आता है। तो क्या प्रॉपर्टी की स्थिति कैसी रहेगी, घर गाड़ी की बात अगर मैं करूँ तो फोर्थ हाउस का घर गाड़ी के साथ बहुत गहरा संबंध जो है वो देखा जाता है। तो राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं और फोर्थ घर ये दिखा रहा है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है, जद्दी जायदाद जो है, आपकी माता पिता की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जायदाद है, उसके कुछ झगड़े हैं, उनको बेचने खरीदने की बात हो सकती है। आपको नई प्रॉपर्टी खरीदने में अभी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ झगड़े रहेंगे, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई रहेंगी। तो मैं कहूँगा कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए प्रॉपर्टी के मामले में कहूँगा कि कोई इन्वेस्टमेंट अभी ना की जाए, लेकिन हाँ आपको ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहते हैं, कुछ झगड़े होंगे, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा जिससे आपको कुछ पैसे जो हैं आपके हाथ में आ सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है आपके लिए आपके धन को बढ़ाने का। वहीं अगर आप गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप गाड़ी खरीदें, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस बार वीरवार के दिन, अक्सर कर हम मंगलवार शनिवार की दिन बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, लेकिन कहूँगा थर्सडे के दिन कोई भी गाड़ी इस बार ना खरीद जाए तो वो आप लोगों के लिए अच्छी होगी, जिससे लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। गाड़ी परिवर्तित की जा सकती है, चेंज की जाती है, लेकिन थर्सडे का आपने परहेज करना है, उस दिन कोई भी डील गाड़ी के रिलेटेड ना की जाए। अगर मैं बात करूँ आपके कारोबार की, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मंगल परिवर्तन कर रहे हैं, भाग्येश लाभेश कर्मेश शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और रेट्रोग्रेड हो गए हैं, लेकिन ये रेट्रोग्रेड शनि करेंगे क्या। जब मैं कुंडली को ध्यान से देखता हूँ तो ध्यान से देखने पर ये चीज़ समझ में आती है कि रेट्रोग्रेड शनि जो हैं वो आपकी कुंडली में एक ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं जिसमें लाभ के योग बने हुए हैं, यानी कि ये रेट्रोग्रेड शनि आपके लिए लाभ पैदा करेगा, लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी और आप धन संचय करने में कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपका कारोबार जॉब जो है उसमें प्रगति होगी, तरक्की होगी, लाभ मिलेगा। और टेंथ हाउस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रही हैं कि कोई कंप्लेंट भी आपके अगेंस्ट हो सकती है, इसलिए इलीगल तरीके से फॉर्ज डॉक्यूमेंट दाखिल करके कोई चीज़ करने की कोशिश ना करें। आप सही दिशा से काम करेंगे तो बात बन जाएगी, किसी झगड़े को आप पैदा ना करें, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं परिवर्तन की हो रहे हैं, ऊंचाई की हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ कंप्लेन, कुछ झगड़े भी लेकर आपके लिए आ रही है। थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पर निर्णय लेना होगा, नो डाउट आप अच्छा लाभ बना पाएंगे
आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और निश्चित तौर पे आप एक फेम को प्राप्त करेंगे और जिससे आपके लिए बिजनेस और जॉब में जो है वो लाभ बनेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप कहेंगे भाई बिजनेस में जॉब लाभ मेरे पास जॉब ही नहीं है, ये सवाल होते हैं अक्सर कर, तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? तो जब मैं जॉब की बात करता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि जॉब की जो स्थितियाँ इस वर्तमान समय में हैं वो कमज़ोर हैं, आप लोगों के लिए कमज़ोर हैं। इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसी जॉब्स मिल सकती हैं जिनमें जैसे कहें कि आप कोई एम्बुलेंस चला सकते हैं, हॉस्पिटल की जॉब आपको मिल सकती है, किसी ऐसी जगह पे जॉब मिल सकती है जहाँ पे मतलब हथियार आदि वेपन आदि का फैक्ट्री हो वहाँ पे आपको काम करने का अवसर मिल सकता है, पुलिस में कॉर्नर्स जॉब आपको मिल सकती है, कॉर्नर्स की जॉब मिल सकती है, हॉस्पिटल से जुड़ी जॉब मिल सकती है। जो लोग इस साइड में जाना उनके लिए तो अच्छा है, जब आप ऐसी ही चीज़ों के लिए अप्लाई करें तो वो अच्छा होगा। कुल मिला के ये कहूँगा कि जॉब के मामले में जो रिज़ल्ट है वो कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जॉब जो मिलेगी उसमें कहीं ना कहीं आप परेशान जरूर रहेंगे। केमिकल से जॉब मतलब एक अलग तरह का ही जॉब का सिलसिला इस बार मैं देख पा रहा हूँ। तो और साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो लोग एम्प्लॉयर हैं उनको कहूँगा कि भाई आप जितने भी अपने पास एम्प्लॉय रखते हैं उनके डॉक्यूमेंट प्लीज़ चेक कर लें, नहीं तो आपके अगेंस्ट कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है और आपको उसका फाइन जो है जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जुर्माने की बात जब आ गई है तो गाड़ी चलाते वक्त भी, पार्किंग करते समय, स्पीडिंग करते वक्त आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा वहाँ पर भी आपको मुश्किलें आ सकती है। गाड़ी के अंदर भिन्न भिन्न कंट्रीज़ की अलग अलग स्थितियाँ रहती हैं, तो अपने साथ अपना लाइसेंस, अपनी इंश्योरेंस, अपना पोल्यूशन जो भी है वो साथ कैरी करें तो वो अच्छा रहेगा। हालांकि यूके में ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको जरूर ध्यान देना होगा जहाँ पर भी बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मुलाकात पुलिस के साथ हो और वो आपको फाइन लगाएं और आपको कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़े। तो कुल मिला के स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जो लाभ की ओर हैं, लेकिन साथ साथ एक जोखिम जो है वो इस बार निरंतर बना हुआ है, यानी कि आपको हर चीज़ को बड़ी सावधानी पूर्वक करना होगा, खाली जोश से ही काम आपको नहीं लेना है। बहुत सारे लोग यात्राओं के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहूँगा कि यात्राएँ, जी हाँ, यात्राओं का कोई बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कारण यह है कि यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन उन यात्राओं में जिस मकसद से आप यात्रा करना चाहते हैं वो मकसद आपका कामयाब नहीं होगा, उसमें वो लाभ नहीं मिलेगा, उसमें शायद झगड़े, परेशानी, टाइटनेस आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए यात्रा करते वक्त हर एक चीज़ को पहले से ही प्लान करके, मेक श्योर करके ही अगर आप यात्रा के लिए आगे बढ़ें तो वो बात आपके लिए अच्छी होगी। एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और सेहत का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, जॉब का ध्यान रखें। ये मेरा खास मकसद कहने का तात्पर्य है कि इस बार आपके साथ उथल पुथल रहेगी, अच्छे ग्रह कभी कई कई बार आपको उलझन में भी डाल देते हैं, बस इस उलझन से बचना, यानी कि हर चीज़ की अच्छी प्लानिंग इस बार आपकी होनी चाहिए। तो ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इस मंथ ऑफ मई में आपकी राशि के प्रति जो स्थितियाँ हैं उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, और साथ ही साथ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप मेरा फ़ोन भी नोट कर सकते हैं 07881202985, और साथ ही साथ फेसबुक के माध्यम से आप मेरे प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम को ज्वाइन इन कर सकते हैं जो हर बुधवार रात 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से होता है। उसमें पार्टिसिपेट करें, कोई भी आपका सवाल होगा उसका मैं आपको आंसर देने की उसी समय कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी बिजी रहता है, मुश्किल कई बार हो जाती है एक घंटे के प्रोग्राम में बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होगी आप उस प्रोग्राम में भाग लें मेरे साथ। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों को बताएं ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएं। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे अगले महीने के राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।